गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। अभी तक मैंने नोट्स में बीटेक के और बीएससी के क्लास सिलेबस बनाया था। अब मेरे पास क्लास 11th के मैं पूरा नोट्स प्रिपेयर कर दूंगी और साथ में एमसीक्यू भी। मोस्ट प्रोबेबली मैं 40 और 50 एमसीक्यू प्रिपेयर करूंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरा लेक्चर एक घंटे के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, जिसमें कि हमने 40 एमसीक्यू डिस्कस किए विद एक्सप्लेनेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हैं। नाउ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटम अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो करते हो और कंपाउंड फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी, कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और मॉलिक्यूल्स मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। एटम्स को कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंस ये होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें होमो मीन्स सेम। दीज आर फॉर्म द सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी सेम एटम से मिलकर बनते हैं, सेम न्यूक्लियाई के होते हैं, इसलिए इसको होमो न्यूक्लियर या होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटोमिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसमें क्या होता है डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रो न्यूक्लियर बोल देंगे या हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। नाउ, जो हमारे पास टेम्परेचर की स्केल होती है, टेम्परेचर की स्केल को हम डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में लेते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड 372 केल्विन एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इस तरह एमसीक्यू इसमें भी बन सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है, सेल्सियस में कितना है, फ़ारेनहाइट में कितना है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दस डिग्री सेंटीग्रेड इज रिलेटेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे रिलेट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को पहले लिखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड 5 है, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से एक भी याद रखेंगे तो उसको प्लस इस वाले को याद रख लो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट पूछना है हमें, डिग्री सेंटीग्रेड गिवन होगा तो हम प्लस लगा देंगे, अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, 5/9 कर देंगे, इस तरह कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, विच टेम्परेचर व्हेन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पीको, फेमटो। ठीक है, तो स्मॉल इसके सिंबल स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेसी को डेसीमीटर अगर लिखेंगे तो डीएम, सीएम, मिलीमीटर एम, माइक्रो को इस तरह का साइन, नैनो को एन, एंगस्ट्रॉम एन। तो डेसी इक्वल टू 10^-1, सेंटी इक्वल टू 10^-2, मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, एंगस्ट्रॉम 10^-10, एंड पीको 10^-12, एंड फेमटो 10^-15। इसी तरह डेसी, सेंटी, मिली, फेमटो है। इसी तरह हमारे पास डेका 10^-2, हेक्टो 10^-3, किलो 10^-6, गीगा 10^-9, गीगा 10^-12, टेरा एंड 10^-15 पीटा। ठीक है, तो ये हमें प्लस और माइनस कन्वर्जेंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, तो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। नाउ, सम यूजफुल कन्वर्जेंस ऑफ लेंथ, लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 1 माइल इज इक्वल टू 760 यार्ड्स,
एंड 1 yard इक्वल टू 3 feet, 1 foot इज इक्वल टू 12 inches, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, ये पता ही है, 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter, ये कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस के लिए हमें लेंथ की यूनिट याद रखनी पड़ेगी। इसी तरह हमें कुछ कन्वर्जेंस करने पड़ेंगे वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए 1 meter क्यूब इज इक्वल टू 10 to power 3 liter, एंड 1 decimeter क्यूब इज इक्वल टू 1 liter, 1 centimeter क्यूब इज इक्वल टू 10 to power minus 3 liter। इसी तरह यूनिट ऑफ मास, 1 metric ton इज इक्वल टू 1000 kilogram, 1 kilogram इज इक्वल टू पता है 1000 gram, 1 pound इज इक्वल टू, पाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं lb, स्मॉल एल और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों ध्यान रखना, 1 pound इज इक्वल टू 453.6 gram, अप्रोक्सीमेट 500 gram होता है ये, ठीक है। इसी तरह प्रेशर की यूनिट है 1 atmospheric इज इक्वल टू 760 mm, और टॉर्क, और इसी को हम बोलते हैं 101325 पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 1.013 × 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम में है और ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। इसी तरह 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 torr और 1 mm इज इक्वल टू 133.32 पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और कन्वर्जेंस में भी पूछ सकते हैं। डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 273.515 केल्विन, 1 liter इज इक्वल टू 10⁻³ m³, 1 decimeter³, 1 dyne इज इक्वल टू 10⁵ N, ये ध्यान रखना कन्वर्जेंस है, 1 calorie इज इक्वल टू 4.184 जूल, 1 arg इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, 1 electron volt इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। नाउ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के हमारे पास 4 लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड गे-लुसक लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो हम एक एक को हम ड्राइव करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सिमिलर होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था 1789 में। इसी तरह लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या होता है कि हमने अगर हमें कोई भी H2 है या CO2 है, कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय द जेएल प्रोस्ट, ठीक है। अगर हम उसको किसी भी मेथड से बनाएं, वाटर को अगर हम कोई भी केमिकल सिंथेसाइज करें या किसी भी रिएक्शन से बनाएं, तो H2O ही रहेगा। तो H2O का मतलब इसमें 2 यूनिट वाटर, 2 यूनिट हाइड्रोजन की और 8 यूनिट ऑक्सीजन की रहेगी, ठीक है। 2:16 का रेशियो रहेगा इसमें, यानी 1:8। इसी तरह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक एटम को हम कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, दूसरा एटम जो होता है वो प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे नाइट्रोजन है बहुत सारे ऑक्साइड बनाएगा, N2O, N2O3, N2O5, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। गे-लुसक लॉ ऑफ वॉल्यूम में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें वॉल्यूम का, हम जो वॉल्यूम का रेशियो लेंगे वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है उसमें भी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स भी हम लिख सकते हैं उसको। 1 mole इज इक्वल टू 6.023 × 10⁰³ नंबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 amu इज इक्वल टू 1.66 × 606 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, amu का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में एटम आयंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इंटू वॉल्यूम इंटू STP अपॉन 22.4 लीटर। तो इससे हम बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, मेनली यही इक्वेशन को हमें यूज करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूल वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ STP निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, ठीक है। तो हमें ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है और इसको हमें कहीं भी फिट कर देंगे। नंबर ऑफ एंटाइटीज, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम आयंस निकालने, तो नंबर ऑफ एंटाइटीज इज इक्वल टू N × Na। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेनली हम इसमें चैप्टर में कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं।
तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन टू 100। मोलरिटी अगर निकालना है तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को हम इस तरह लिख लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एम बी अपॉन 1000, इसको हमें याद रखना है। डब्ल्यू इज द गिविन वेट, एम इज द मॉलिकुलर वेट, मोलरिटी वॉल्यूम एंड सॉल्यूट। तो एम इज इक्वल टू गिविन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन टू 1000, वॉल्यूम इन एम एल, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। नाउ मोल, जिस तरह हमने मोलरिटी निकाली इसी तरह मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें किलोग्राम में डिजोल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं सॉलिड को। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय गिवन वेट अपॉन सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन टू 1000। डब्ल्यू ए इज द गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इससे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मोलरिटी जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करती क्योंकि वॉल्यूम इस पर रिलेट नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालना तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिस तरह हम यहाँ पे मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो इसमें नॉर्मेलिटी के केस में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, अगर कोई एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब जैसे HCl है तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। H2SO4 है तो H2SO4 की जो बेसिसिटी होगी वो 2 हो गई। जो बेसिसिटी होगी वही प्रोटोसिटी है, बच्चों ध्यान देना। इसी तरह अगर एसिडिटी की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस मॉलिकुलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। तो बेस सपोज NaOH है तो NaOH की एसिडिटी कितनी हो गई, बेस के केस में एसिडिटी होती है, एसिड के केस में बेसिसिटी होती है, ठीक है। NaOH की 1 हो गई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो 2 हो जाएगी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो ये बेसिसिटी एसिडिटी अगर सॉल्ट के केस में लिखेंगे तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस की जैसे कैल्सियम आयन है कैल्सियम Ca+2, तो कितना जैसे उसमें हो रहा है मैग्नीशियम है एल्युमिनियम है, तो टोटल बैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन। अगर Na है तो सपोज Na3PO4 लिखा है तो उसमें बैलेंसी कितनी हो गई, 3। टोटल पॉजिटिव आयन कितने, 3 है। तो इस सभी एसिडिटी बेसिसिटी और सबको हम n फैक्टर टर्म देते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कोई भी निकालना है तो मॉलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है, इसको हम n फैक्टर टर्म दे देते हैं। बच्चों ध्यान रखना ये चीज n फैक्टर से। नाउ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे X2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, N1 इज द सॉल्यूट N2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम X1 एंड X2 सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो अगर हम X1 लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे और X2 लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। तो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, X1 + X2 इज इक्वल टू 1, तो इसका सम कितना आता है, 1 आता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन भी एक यूनिट है, मेनली हम इसमें एटमोसफेयर में जितना भी पॉल्यूशन होता है पॉल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं, PPM में। हार्डनेस को भी हम PPM में मेजर करते हैं, एल्किटी को भी हम PPM में मेजर करते हैं। तो 1 PPM पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 10^6। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6 निकालेंगे तो हम पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालेंगे। M1B1 इज इक्वल टू M2B2, अगर हमें दो सॉल्यूशन अलग अलग स्ट्रेंथ के दिए अलग अलग मोलरिटी के दिए तो हम इस तरह निकाल लेंगे। B2 हमें नहीं पता है तो हमें और सब कुछ गिवन है तो निकाल लेंगे। M1B1 अपॉन N1 नंबर ऑफ मोल्स उसके अलग है, नंबर ऑफ मोल्स इसके M2B2 के अलग है, तो हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। इससे अगर हम M1B1 + M2B2 दिया है और दिस इज द रिजल्टेंट वॉल्यूम, M3 एंड BE3 को हम यहाँ पे MRVR भी लिख सकते हैं, ठीक है। MR का मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी एंड VR का मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या है, B1 + B2।
एन वन बी वन प्लस एन टू बी टू इजिकल टू एन थ्री बी थ्री लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और एक और चीज बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी इजिकल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। अगर हमें बेसिसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी कर सकते हैं। अगर एसिडिटी निकालना है तो हमें वो जो एन फैक्टर है, नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी इजिकल टू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इजिकल टू क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इजिकल टू एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ मॉलिकुलर फॉर्मूला इजिकल टू एन इंटू इम्प्रिकल फॉर्मूला। ठीक है, किसी का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालता है तो एन इज द एन फैक्टर मैंने बताया, तो एन फैक्टर इंटू इम्प्रिकल फॉर्मूला। तो अगर हमें एन निकालना तो एन इजिकल टू मॉलिकुलर मास अपॉन इम्प्रिकल फॉर्मूला मास, इसको मैं न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगी तब देखना आप लोग। मॉलिकुलर मास इजिकल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इजिकल टू एटेमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म होता है कि उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, जैसे K2SO4, K2CrO4, K2SeO4, तो इसमें सभी में पोटेशियम K प्लस है और एसो सल्फेट आयन है, क्रोमेट आयन है, सेलिनेट आयन है, सब पे -2 चार्ज है। साथ में सल्फर क्रोमियम एंड सेलिनियम की बैलेंसी भी 6 है। इसी तरह जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O, MgSO4 इंटू 7H2O, जिंक आयरन एंड मैग्नीशियम में +2 बैलेंसी। तो ये सभी दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, आइसोमॉर्फ। तो आइसो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमॉर्फ, तो हम इसमें से पुट करके बता सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जेई मेन्स में भी इस पे क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली वाला, कि ये कम्बशन की रिएक्शन है। तो सी एक्स एच बाई प्लस एक्स प्लस बाई बाई फोर ओ टू इजिकल टू एक्स सीओ टू, जितना ये एक्स है उतना ही सीओ टू बनेगा और बाई बाई टू एच टू ओ बनता है, लेकिन ओ टू के लिए एक्स प्लस बाई बाई फोर हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर हम इथेन मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो 2 + 6 / 4 O2 ट्वाइस सीओ टू बनेगा, 3 H2O बनेगा। एक मोल इथेन को बर्न करने पे इतना है, तो अगर हमें इतना हो रहा है तो इसके बाद इसको 7/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है, होल नंबर में लिखना है, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो 2 मोल इथेन के वन होने पे 7 मोल O2 चाहिए एंड 4 मोल CO2 रिलीज होगी एंड 6 मोल H2O रिलीज होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl, अभी बताइए। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू मोलरिटी इंटू हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इजिकल टू क्या बताया था हमने, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर इसका कितना है, 1 है, एचसीएल का एन फैक्टर कितना है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नॉर्मल। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 की नॉर्मेलिटी अगर पूछेंगे तो कितनी आएगी, एन इजिकल टू मोलरिटी कितनी दी है, 1 मोलर दिया तो 1 इंटू H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 2N। ठीक है, देखो इस तरह क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन को कर सकते प्रोटोसिटी, तो इसकी बेसिसिटी 3 है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 3, तो मोलरिटी कितनी थी, 1 इंटू 3, तो इसका आंसर हो गया 3N। ठीक है, तो इसमें 1N, 2N, 3N मैंने 3 एग्जाम्पल लिए इसको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400, यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं लगा, अगर कहीं भी कोई डेसिमल नहीं लगा तो जितने भी फिगर्स दिए हैं वो सारे हमें काउंट करने हैं, 0 भी, तो 1, 2, 3, 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, यूनिटलेस मोलरिटी की यूनिट होती है, मोलरिटी की होती है, नॉर्मेलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो इसलिए यूनिटलेस क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 26.89, इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 8.8, व्हाट इज इट्स बैलेंसी। तो हमें बैलेंसी निकालनी, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी, तो बैलेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे तो हमें बैलेंसी पता चल जाएगी, तो बैलेंसी इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। जब 3 बैलेंसी आई तो 3 बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, तो 3 इंटू जो भी हमारा
गिवन वैल्यू कितनी है इक्विवेलेंट बेट 8.9, 8.9 इंटू 3 करेंगे तो 26.7 इज द करेक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा. तो आंसर इज द 3 × 26.7. ठीक है बच्चों, इस तरह हम बैलेंसी भी निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन. तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो गिवन वेट पता है, गिवन वेट पता है, कार्बन का कितना दिया, गिवन वेट का मतलब 6 ग्राम दिया है. मॉलिक्यूलर वेट कार्बन कितना होता है, 12 होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो कितना आंसर आ गया, 0.5 मोल्स. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 16 ग्राम ऑक्सीजन के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एनए इंटू एनए. तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन इंटू एनए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम ऑफ सी इज इक्वल टू 16 अपॉन 6.03 इंटू 10^23 एन ऑफ 16 ग्राम ऑफ सी 0.595. इसका नाइट्रोजन का निकला तो 1 आया, 1.0.5 आया. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल. ठीक है, 1 इंटू एनए. तो 1 इंटू एनए किस किस में आ रहा है, किस में और आया, 1 इंटू एनए नाइट्रोजन में और आ रहा है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन भी 1 इंटू एनए हुआ और इसमें भी 1 इंटू एनए हुआ. तो ये दोनों आंसर इसका 128 ग्राम ऑफ एन टू हो जाएगा. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल इंटू एनए. ठीक है, 1 मोल 16/16 इंटू एनए, ये ऑक्सीजन का केस हो गया. ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन के केस में भी 1 इंटू एनए आएगा. तो ये दोनों आंसर है इसके. नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.065 इंटू, ये तीनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. देखो फर्स्ट में 1.065 डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स को हम काउंट कर लेंगे तो 4, सेकेंड में कोई भी डेसिमल नहीं लगा तो 3, थर्ड में इसमें डेसिमल लगा है तो इसमें कितना होगा, इसमें डेसिमल के बाद वाले कोई भी पॉइंट नहीं काउंट करेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा. तो 4, 3, 1 इज द आंसर. 1.065 में 4, 3, 1, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया. तो आंसर क्या हो गया, ए, 4, 3, 1 इज द सिग्निफिकेंट फिगर इसमें. व्हाट विल द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ द वॉटर. तो मोलिटी के लिए हमें क्या, गिवन वेट ऑफ द HCl दिया है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द HCl कितना होता है, 35.5 + 1, 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर वेट हो गया इंटू 1000 और वेट ऑफ द सॉल्वेंट 500 दिया. तो मोलिटी कितनी आई, 1 m आंसर आ गया. ठीक है बच्चों, इस तरह हम इसको निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्सियम बाइकार्बोनेट में, कार्बन का परसेंटेज कितना है ये. तो ये कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 एटम्स है. तो मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास इसका 162 है और मास ऑफ द एलिमेंट कार्बन का मास कितना है, 24/162 कर दिया तो 14.8% आंसर आया. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. नाउ विच इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की यूनिट अभी मैंने सारी पढ़ा दी थी, बार भी है, टॉर भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है. तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट नहीं है. ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CHO, कार्बन का परसेंटेज इतना दिया, हाइड्रोजन का इतना दिया. अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें बता दिया कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है, तो हम इन दोनों को प्लस करके -100 कर देंगे. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 38.71 + 9.67 को हमने प्लस किया और 100 में से माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आया 51.62. तो हमें सभी के, सबसे पहले हम एलिमेंट्स की नेम लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज के बाद हमें एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास लिखने के बाद हमें मोल रेशियो निकालना है. परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास को लिख के मोल रेशियो निकालेंगे. मोल रेशियो निकालने के बाद हम इसमें से एक सर्किल कर लेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 3.22 स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हमने सर्किल कर लिया और इससे हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे. अब इसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे तो 1, 3, 1 का रेशियो निकल आया. तो कार्बन हमारे पास 1 में है, C1H3O1 आया. तो एम्प्रिकल फॉर्मूला क्या आया, CH3O आ गया एम्प्रिकल फॉर्मूला. तो आंसर इज द सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के जो SI यूनिट बोलेंगे या थर्मोडायनेमिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो भी हम कैलकुलेशन के लिए टेम्परेचर की यूनिट को कैलकुलेट के लिए यूज करते हैं, दैट इज द केल्विन.
केल्विन इज द थर्मोडायनेमिक यूनिट ऑफ द टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज ऑल्सो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. सभी करेक्ट होंगे, यानी कि जितना रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड में होगा. तो इसमें हम देखते हैं ट्वाइस 2mg प्लस O2 करेक्ट है, P4 5O2 करेक्ट है, C3H8CO2 एंड H2O ये इनकरेक्ट है. ठीक है, तो जो भी इनकरेक्ट है उसको हमें मार्क करना है. और हमें ये कम्बस्टन वाली रिएक्शन हमने पहले भी बताई थी, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 को फॉलो कर लेंगे. व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml. 500 ml दिया है, वॉल्यूम दिया है, गिविन वेट दिया. तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिविन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम. इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके आंसर कितना आया, 0.2 मोलरिटी. आप लोग खुद कर सकते हैं इसको देख के. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम. नंबर ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिविन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल आयन अपॉन Na. तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू N इंटू Na, हमें ये लगाना है. तो नंबर ऑफ मोल्स लगाने तो 52 अपॉन 4 कर देंगे इंटू Na कर देंगे, तो आंसर आएगा 7.83 इंटू 24. ठीक है, 10^24 ये आंसर आ गया. तो N इंटू Na निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम्स के लिए, डायरेक्ट लगा देना. इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10^8 मीटर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड. नैनो सेकेंड इज इक्वल टू, नैनो बताया, नैनो इक्वल टू 10^-9. ठीक है, 1 नैनो इक्वल टू 10^-9 सेकेंड दिया है, गिवन है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड दी हुई है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दिया है, तो दोनों को हमने कैलकुलेट कर दिया, आंसर आया 0.6 मीटर. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना, तो आइसोटोप दिए होंगे. ठीक है, उसके रिलेटिव एबंडेंस की परसेंटेज दी रहती है और एटॉमिक मास भी दिया रहता है. हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एबंडेंस इनटू जो भी एटॉमिक मास है वो उस कार्बन का, 12C का, फिर 13C का, फिर 14C का, इन तीनों को हम लिख लिया. तो रिलेटिव एबंडेंस इंटू 12 रिलेटिव एबंडेंस इंटू 13 रिलेटिव एबंडेंस इंटू 14 अपॉन टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ एवरेज कितने कितने का निकालना है, 3 का निकालना है, तो अपॉन 3 कर दिया, तो 12.00011 amu इज द आंसर. तो आंसर हमने 12.011 amu मार्क कर दिया. नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. बच्चों ध्यान रखना, ग्राम एटम मीन्स मोल्स. ग्राम एटम दिया तो ग्राम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राम एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसके निकालने, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. 1.4 गिविन वेट है, 14 मॉलिकुलर वेट है, तो 0.1 मोल आ गया. 0.1 आंसर, 0.1 सी बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.6 मोलल. हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब हमें इसमें मोलैलिटी दे दी है 1.6 मोलल. ठीक है, मोलैलिटी पता चल गई हमें. अब हमें इसमें निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स, गिविन वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है. ठीक है, गिविन वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू गिविन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू WA. सॉल्यूशन का वेट क्या होता है, सॉल्यूवेंट प्लस सॉल्यूट. तो इथेनॉल का मास कितना है, 46 ग्राम. तो हमें इसमें लेट एक्स ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन WB इक्वल टू एक्स मान लिया, WA कितना हो गया 500 - x. तो हम इसमें इसी की x और 500 - x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1.6 मोलैलिटी गिवन है. मोलैलिटी इज इक्वल टू 1.6, WB इज इक्वल टू x एंड MB 46 दिया इंटू 1000 अपॉन 500 - x. अभी की वैल्यू पुट करने के बाद 1.6 इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा x, मतलब नंबर ऑफ मोल्स एक्स ग्राम आएगा, कितने ग्राम आ गया, 34.27 ग्राम आंसर आ जाएगा. ठीक है, इजी है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजिली हो जाएगा. मोलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पता है आपको. टोटल 40 क्वेश्चन है, प्लीज पेशेंस रखिए. और आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 2-3 बार भी रिवाइज कर लेंगे तो ये श्योर सोर्स क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं, जेई में भी आ सकते हैं, सभी में आ सकते हैं. प्लीज बच्चों आप लोग इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट क्वेश्चंस को लिख के. इसमें मैंने सॉल्यूशन को अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन इतना.
अब देखो इसमें डेंसिटी दी हुई है, अगर डेंसिटी दी हो और परसेंटेज दी हो तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मोलरिटी इक्वल टू एक्स परसेंटेज डी डेंसिटी इंटू 10 अपॉन एमबी, ये भी एक फॉर्मूला है। तो परसेंटेज ऑफ मास निकाल दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे, मोलिकुलर वेट दे देंगे, तो हम इसको सब कुछ गिविन है, हम सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 19.919। तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी अगर गिविन है तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, इट्स ऑक्साइड 70%, तो परसेंटेज दिया है 70 एंड 30, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 56 इसका एटॉमिक मास, 16 इसका, 1.25 आया, तो इसको हमने सर्किल कर लिया क्योंकि हमें सिंपली रेशियो चाहिए, तो 1.25 अपॉन 1.25, तो इसका आंसर आया, इसको सिंपली रेशियो में 1 आया और इसका 1.5 आया, तो फ्रैक्शन को हमने होल नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया दोनों साइड, तो आंसर आ गया Fe2O3, Fe2O3 ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स परसेंटेज कार्बन इतना हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास भी दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना, तो कार्बन इतना परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन इतना दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, परसेंटेज कार्बन का अपॉन 12 इंटू हाइड्रोजन का अपॉन 1, तो 7.6 आया, यानी दोनों के सिंपलेट रेशियो में 1 आया, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हुआ, CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया CH, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, मास 13 आ गया, CH का मास कितना आया 13, कार्बन 12 1 हाइड्रोजन, तो CH का मास 13 आया। मॉलिकुलर मास ऑफ फॉर्मूला हमें दिया हुआ, मॉलिकुलर मास 78 है, तो हम n निकालेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, n आया 6, तो n इज इक्वल टू अगर 6 आया तो हम CH में 6 लिख देंगे, तो आप फॉर्मूला हो गया C6H6 द आंसर। ठीक है, तो C6H6 आंसर आ जाएगा क्योंकि CH हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया और n 6 आ गया, तो CH एंड C6H6 द आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। एक कार्बोहाइड्रेट बाई CHO इन द रेशियो 1:1, यानी एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इट्स मॉलिकुलर मास इतना दे दिया, व्हाट विल द मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमें पता है CH2 दिया इन्होंने, CH2 का मास कितना है 30, तो n इज इक्वल टू निकालेंगे 180 मॉलिकुलर मास अपॉन 30, n इज इक्वल टू 6 आया इसमें भी, तो CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू 6 कर देंगे, तो C6H12O6 का मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया, C6H12O6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम 50 तो ये रिएक्शन में इसका मास देखेंगे तो ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पे CO2 कितना रिलीज हुआ, 44 ग्राम और ये 56 ग्राम। ठीक है, तो 44 ग्राम का मतलब 1 ml, तो ये भी वन मोल है, ये भी 1 mole है, ये भी 1 mole है, अगर हम इसका 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कर दें यानी ये हाफ कर दें तो ये कितना हो गया, 0.5 mole हो गया, तो ये 0.5 है तो ये भी 0.5 निकलेगा और ये भी 0.5 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 mole। ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इतना, तो 1 mole की जगह 0.5 यानी हाफ मोल आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ये तो करेक्ट है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो एटम्स होते हैं उसकी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज वो कंपाउंड खो देता है, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज नॉट फिक्स, इट इज फिक्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, इट इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 4NH3+5O2 4N2+6H2 व्हेन 1 mole ऑफ अमोनिया एंड 1 mole ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट द कम्पोजिशन, तो ये लिम्टिक रिजेंट पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, तो इसमें क्या है, अगर 4 mole अमोनिया रिक्वायर्ड है तो 5 mole ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर हमारे पास इसमें दिया 1 mole अमोनिया है और 1 mole ऑक्सीजन है, तो अगर 1 mole 4 mole के लिए 5 mole चाहिए यानी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो अगर हमारा 1 mole ऑक्सीजन दिया है इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में 1 mole अमोनिया पूरा कंज्यूम हो जाएगी, तो 1 mole ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ठीक है बच्चों,
एक मोल ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिजेंट है, तो वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, एक मोल उसकी स्मॉलर क्वांटिटी है, इसके 5 के हिसाब से उसे ज्यादा होना चाहिए, तो कम था, एक मोल अमोनिया के लिए ज्यादा चाहिए होगा, तो ये कम है इसमें। ठीक है, समझ में, 4 मोल के लिए 5 चाहिए, तो एक मोल अमोनिया के लिए 1 से अबव चाहिए, तो ये 1 मोल दिया है, तो इसका मतलब यही हमारा लिमिटिंग रिजेंट है, कम में दिया तो ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, जो भी रिएक्शन में पूरा कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा वो क्या होता है, लिमिटिंग रिजेंट, और वो उसकी अमाउंट से कम दिया होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिजेंट। एक और दो क्वेश्चन और है, वो भी मैं बताऊंगी लिमिटिंग रिजेंट के। 50 ml ऑफ 10 नॉर्मल H2SO4 और इतना, तो इसमें हम सभी की नॉर्मलिटी दी हुई है और सबका वॉल्यूम दिया हुआ, तो N1B1 प्लस N2B2 इक्वल टू N3B3 N4B4 निकाल के हम N4 निकाल लेंगे, तो 1 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1 mm ऑफ मर्करी रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP लीटर इज रिक्वायर्ड टू बर्न 4 ग्राम ऑफ मीथेन कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसमें CH4 प्लस 2O2 CO2, एक मोल CH4 के लिए कितना, एक मोल CH4 के लिए यानी 16 ग्राम रिक्वायर्ड, कितना चाहिए उसको STP 2 × 24 22.4 आ गया। 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 2 × 22.4 / 16 करें तो 11.2 लीटर चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह निकालेंगे यूनिटरी मेथड से इसको। अ बाइवेलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ 32, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल नाइट्रेट इज, बाइवेलेंट मेटल दिया तो यानी बाइवेलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना, तो इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 64। एस मेटल एम इज बाइवेलेंट, फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट क्या हो जाएगा, MnO3। ठीक है, तो NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो M के ऊपर +2 था, तो इसके क्रिस क्रॉस मेथड से MnO3 2 आएगा। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रेट का निकाल लेंगे हम सभी की वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड 200 cm³ ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl टू गेट डेसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन। डेसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन का मतलब डेसी सेंटीमिली, नॉर्मलिटी में डेसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन निकालेंगे, तो 0.1 नॉर्मल, 0.1 N1B1 इक्वल टू N2B2, 0.5 इंटू 100, 0.1 इंटू इट, तो B2 कितना आया, 500 cm, वाटर टू बी एडेड 100 cm³ सॉल्यूशन, तो 500 से मैं इसमें 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 400 cm³। ठीक है, ये डेसी नॉर्मल में आ गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट इन 1 kg, 1 kg में कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, और उसको अवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.03 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9.108 × 6.03 × 10⁻⁸ आ जाएगा, दोनों को इसको करने के बाद किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 mole, तो 1 mole में कितने, 1 kg में कितने होंगे, 1/9.0108 × 6.03 × 10⁻⁸ mole, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1 मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने एटम्स है, 8 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 1 mole कंटेन्स 8 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 इज इक्वल टू 1/8 × 0.25, यूनिटरी मेथड से लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.125 × 10⁻²। बच्चों आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड एंड बैरियम क्लोराइड H2SO4, ये भी लिमिटिंग रिजेंट पे लगेगा, तो BaCl2 प्लस H2SO4 किया तो हमारे पास ये आ गया, तो 1 mole BaCl2 के लिए 1 mole BaSO4 बनता है, तो वो कह रहा है 0.5 mole BaCl2 है और 1 mole HCl है, तो अगर हम 0.5 के हिसाब से लेंगे, दिस इज द लिमिटिंग रिजेंट, तो लिमिटिंग रिजेंट के हिसाब से H2SO4 भी 0.5 ही आएगा, और 0.5 ही हमारा बैरियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि यही कंज्यूम हो जाएगा, ये एक्सेस में आ जाएगा, तो हेयर BaCl2 इज द लिमिटिंग रिजेंट एंड H2SO4 इन एक्सेस, सो द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.5 mole ऑफ Ba सल्फेट, बैरियम सल्फेट इज फॉर्म। इफ मॉलिकुलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आर
256 एंड 32। इफ मॉलिकुलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इतना 256 एंड 32, यानी मॉलिकुलर मास इतना एटॉमिक मास इतना, व्हाट इज इट्स एटमोसिटी, एटोमिसिटी मीन्स इसकी बैलेंस ही निकालनी, ठीक है। तो एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक मास अपॉन मॉलिकुलर मास अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे तो कितना आया 8। तो इस सल्फर का क्या हो गया कंपाउंड, As8 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सी। द मास ऑफ एन एटम ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10^23, 1.9 इंटू 10^-23। बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन एसटीपी कितना दिया 0.224 अपॉन 22.4 कर देंगे तो कितना आएगा 0.01 मोल इज द आंसर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू वॉल्यूम ऑफ HCl A एंड B हैव कंसेंट्रेशन ऑफ M1 एंड M2, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टू वॉल्यूम ऑफ HCl A एंड B हैव कंसेंट्रेशन M1 एंड M2, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A एंड B रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर ऑफ HCl। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह, M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास HCl A एंड B हैव कंसेंट्रेशन M1 एट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 2 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया B1 B2 कितना हो गया 2 लीटर, तो M3 इंटू 2 M1B1 प्लस M2B2 और B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2, तो B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें B2 इज इक्वल टू 2 माइनस B1, B2 इज इक्वल टू 2 माइनस B1 ये हम निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में इसको B2 की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो M1B1 प्लस M2 माइनस B1 इज इक्वल टू M3 इंटू 2। इसको फिर सॉल्व करेंगे, M1B1 प्लस M2B1 और ये 2M2 इधर ले आएंगे, M3 इंटू 2 माइनस 2M2, ठीक है। तो हमारा B1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू M3 माइनस M2 अपॉन 2 B2, ये माइनस में आएगा, ठीक है, M1 माइनस M2, ठीक है। अब B1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में B1 प्लस B2 में, ठीक है, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू इसमें B2 की वैल्यू, इसमें इस फॉर्मूले में हम B1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, B2 इज इक्वल टू 2 माइनस B1। तो अब B1 की वैल्यू को पुट करने के बाद B2 इज इक्वल टू 2 माइनस B1, तो 2 इंटू M3 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 2M1 माइनस 2M2 माइनस 2M3 प्लस 2M2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपॉन M1 माइनस M2, तो ये B2 इज इक्वल टू आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, M1 माइनस M3 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। तो B2 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू इतना आ गया, और यही हमने इस वाले फॉर्मूले में निकालना है, B2 इज इक्वल टू 2 M1 माइनस M3 अपॉन M1 माइनस M2 एंड B1 इज इक्वल टू 2 M3 माइनस M2 अपॉन M1, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, मैं आपको क्वेरी का रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू बच्चों।